Hello, good evening everybody. Myself Dharmendra. आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट, जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे, रोटेशन डायनेमिक्स सीरीज लेक्चर जो कि हम 15 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट 25 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस में वन थिंग जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप मैकेनिक्स में जितना शुरू से पढ़ते हैं, मीन्स काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, न्यूटन्स ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, सारी कंटेंट, सारे चैप्टर के जो पॉइंट्स हैं वो इस चैप्टर में दिखाई सकते हैं. और ये चैप्टर आईटी एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनते हैं स्टूडेंट. 2010-11 में जब हम विपुल सिंह, जिनका ऑलरेडी टैलेंट 5 था, उसके टीम में था, 2013 जयंत कौशिक के छोटे भाई निशांत कौशिक, जिसका ऑल इंडिया रैंक IIT JEE में 3rd था, उस टीम में भी था. लास्ट टाइम भी हमारे बहुत सारे बच्चे जो अच्छे रैंक लाए, उन सबों का फीडबैक के आधार पर भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जिन बच्चों ने रोटेशन में अच्छी पकड़ बनाई वो सडनली जेई में, फिजिक्स में पर्टिकुलरली बहुत अच्छे स्कोर करते हैं. सो स्टूडेंट, हम इस लेक्चर में जो बेसिक कंसेप्ट है रोटेशन डायनेमिक्स का, उसका कवर करते हुए इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं इसको भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमें ये समझना होगा स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर हम लोग जो स्टडी करते हैं, दैट इज मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी जो होते हैं स्टूडेंट, वो डिफॉर्मेबल नहीं होते हैं. रिजिड बॉडी में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस अंडर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं होता है. सो हम यहां पर इस रिजिड बॉडी के नेचर में वन पॉइंट ये लर्न कर रहे हैं कि रिजिड बॉडी में जो सेपरेशन डिस्टेंस होते हैं वो हमारा रिमेन्स सेम होता है. देखिए स्टूडेंट, हम यहां पर एक रिजिड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्बिट्ररी शेप ऐसा हमने ले रखा है और इसमें हम कोई दो पॉइंट मार कर रखे हैं. सपोज ये पॉइंट ए और ये दूसरा पॉइंट बी है. ग्राउंड फ्रेम से हम इस रिजिड बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं. सपोज ए का मोशन हमें इस डायरेक्शन में, जिसको हम बी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ए बी लाइन के साथ एंगल थीटा वन बना रहे, बी पॉइंट की वेलोसिटी वी वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एंगल हमारा थीटा टू बना रहा है. ऐसे आप बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस अपने लाइफ में देखे होंगे. जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझो, एक लोडेड ट्रक जब हार्ड ब्रेक लगाता है तो उससे कुछ सामान मान लो ग्राउंड में आगे की ओर घसीटता हुआ जाता है, तो मान लो ये हमारा किसी डिवाइडर से ये हमारा टकराता है, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, ये थोड़ा आगे ऐसा बढ़ रहा है, दूसरा कम इस तरीके से बढ़ रहा है. तो यदि हमने इन दो पॉइंट को ऐसा मोशन दिखाया है, तो इट माइट बी पॉसिबल, हो सकते हैं कि रिजिड बॉडी के अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी का डायरेक्शन ग्राउंड फ्रेम से अलग अलग हो. इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट, इस पॉइंट ए और बी, जो ए बी के बीच में जो लाइन है, यदि इसके वेलोसिटी को हम पैरेलल टू ए बी यानी वी ए कॉस थीटा वन, जो ए का वेलोसिटी हमें परपेंडिकुलर टू ए बी
ये साइन थीटा वन, सिमिलरली बी के वेलोसिटी को यदि हम यहां पर इस डायग्राम में ऐसा दिखाने के बाद यदि ऐसा दिखाते तो वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें इस तरफ लेना पड़ता। तो स्टूडेंट इस वीवी का इस तरफ जो कंपोनेंट है दैट इज वीवी कॉस थीटा को, और ये हमारा होंगे वीवी साइन थीटा को। यदि यह डेफिनेशन हमारा करेक्ट है स्टूडेंट तो ए और बी के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस यदि हमारा चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है इन दोनों का जो सम वैल्यू होंगे इन डायरेक्शन ऑफ लाइन ए बी वो हमारा जीरो होगा क्योंकि ये अपोजिटली हम दिखा रहे हैं। यदि हम इसी में इस पॉइंट बी के वेलोसिटी को ए बी लाइन के रेफरेंस में ऐसा दिखा रहे जो कि अब ये एंगल हमारा थीटा टू है स्टूडेंट, तो हम यहां पर अब इस बी का जो इस तरफ जो कंपोनेंट दिखा रहे अब हम बी के कंपोनेंट को इस तरफ दिखाएंगे। अब आप क्या बोलेंगे ग्राउंड ऑफ दर्वर के रेफरेंस में यदि पॉइंट ए इतना डिस्टेंस डी टी टाइम में कवर करता है और रिलेटिव सेपरेशन यदि चेंज नहीं होंगे तो बी को भी ऐसा उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। यानी अब हमें यदि ये ग्राउंड से पॉइंट ए इन डायरेक्शन ऑफ ए बी इतना मूव कर रहे हैं तो पॉइंट बी को भी उतना ही मूव करना पड़ेगा, अदरवाइज इसके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो हमारा चेंज हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, सो दिस एग्जाम्पल हमारा रिजिड बॉडी के डेफिनेशन को सपोर्ट करता है कि रिजिड बॉडी के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस अंडर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं होते। सो हम यहां पर इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, वी ए कॉस थीटा वन इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट ए बी रड यानी ए बी जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी वेलोसिटी हमने शो किया है। यदि हम इसको हटाकर अब देखें तो हमें ये वेलोसिटी किधर दिख रहा है, ए बी लाइन का परपेंडिकुलर। यदि कोई ऑब्जर्वर बी पॉइंट पर बैठकर ए को देखेगा ए बी लाइन की तरफ ए और बी का सेपरेशन बिल्कुल चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, पर यदि रिजिड बॉडी के पॉइंट बी से बैठकर ए को देखेगा तो ए बी लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता हुआ मूव करेगा। यानी यदि हम रिजिड बॉडी के पॉइंट बी से पॉइंट ए के वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे तो वो ए बी लाइन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, दैट इज वी ए साइन थीटा वन प्लस वी बी साइन थीटा टू। यानी बी के रेफरेंस में जो ए की वेलोसिटी होगी परपेंडिकुलर मींस अलोंग द टेंजेंट टू द सर्किल। राइट स्टूडेंट, इसका मतलब हम यहां पर यह भी बोल सकते हैं कि रिजिड बॉडी में किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी के रेफरेंस में रिजिड बॉडी के दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी हमेशा क्या होते हैं अलोंग द सर्कुलर पाथ होते हैं। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन हम दूसरे पॉइंट को क्या लिखा स्टूडेंट, इन रिजिड बॉडी मोशन ऑफ वन पार्टिकल विथ रेफरेंस टू एनी अदर पार्टिकल प्रेजेंट्स इन गिवन रिजिड बॉडी इज सर्कुलर। तो ये कंसेप्ट याद रखेंगे और जिस तरीके से आप सर्किल में लर्न करते हैं सेंटर के रेसोर्ट में टेंजेंशियल पॉइंट की वेलोसिटी रेडियस का परपेंडिकुलर होता है, तो वेलोसिटी और रेडियस के रेशियो से आप
एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट के एंगुलर वेलोसिटी को बता सकते हैं, यानी ओमेगा इज इक्वल टू यहां पर वी बाई आर लिख सकते हैं। तो यहां पर भी हम यदि इस ए बी लेंथ से इसको डिवाइड कर दें तो हमें बी के रेफरेंस में ए की एंगुलर वेलोसिटी ऑब्जर्वेशन में आएगी, दैट इज क्लॉकवाइज। आप सेम चीजें रिपीट कर सकते हो, यदि ए को रेस्ट मान लो आप और बी के वेलोसिटी को आप ऑब्जर्व करो तो वो भी हमें ए के रेफरेंस में सेम सेंस में यानी क्लॉकवाइज सेंस में, और तब ये वैल्यू आ जाएगी वी बी साइन थीटा टू प्लस वी ए साइन थीटा वन। और अब ए के रेफरेंस में बी जो होगा वो सर्कल में मूव करता हुआ ऑब्जर्व आएंगे। सो हम इस डिस्कशन से स्टूडेंट एक क्वेश्चन जो लैडर वाले क्वेश्चंस को हम लोगों ने न्यूटन्स ऑफ मोशन में बनाया था कि सपोज हम एक लैडर ले रखे हैं जो ओवर द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज वेल एज स्मूथ वर्टिकल वॉल के एजेस में रेस्ट रिलीज किया गया। ये वैल्यू जो पॉइंट ए है वो ग्राउंड के रेफरेंस में इस इंस्टेंट पर मान लो ये 3 मीटर के डिस्टेंस पर है और स्लैडर का इस एंड की वेलोसिटी हमने यहां पर 4 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। जो लेंथ ऑफ द लैडर है ए बी, वी कंसिडर लेंथ एज ए 5 मीटर। यदि लेंथ 5 मीटर है स्टूडेंट और बेस इसका 3 मीटर तो हमें इस एंगल की जरूरत डिस्कशन में पड़ेगी। ये 3, ये 4, ये 5, तो ये एंगल हमारा 53 डिग्री है। सो इन दिस क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा स्टूडेंट, लैडर ए बी स्लाइड्स अगेंस्ट अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वॉल एट सम इंस्टेंट। इंड ए जो है इंड ए is at 3 meter distance as well as velocity of end A that is VA is 4 meter per second. So in this discussion of these questions यदि हमें पूछा जाए या जो क्वेश्चन पूछते हैं what is velocity of end B of this ladder, आप न्यूटन्स ऑफ मोशन में डिफरेंशियल के हेल्प से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया था। इसको हम एक्स ले लें, इसको वाई ले लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लैडर, उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसके हेल्प से आप इस एंड के वेलोसिटी को निकाल लेंगे। वो क्या क्रॉस था स्टूडेंट, किस इंस्टेंट पर मान लो इस कॉमन पॉइंट सी से ए बी के लेंथ में, ये तो मैंने किस इंस्टेंट पर दिया है, जिस इंस्टेंट पर ये 3 मीटर का लेंथ 3 मीटर का डिस्टेंस उस पर एंड ए की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। सो हम यहाँ पर 3 की जगह ए सी डिस्टेंस को एक्स लें और सी बी डिस्टेंस को वाई लें तो ये लेंथ ऑफ द लैडर को रिप्रेजेंट करेगा। ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ कंस्ट्रेंट रिलेशन से जो आपने न्यूटन्स ऑफ मोशन में लर्न किया था। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट, ये वैल्यू 2x, ये वैल्यू dx by dt, 2y dy by dt इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट यहां पर cd लेंथ को हम यहां पर y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इंस्टेंट पर। ये जो क्वेश्चन है वो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब ये लैडर का एंड ए 3 मीटर है
उस वक्त इसकी वेलोसिटी 4 मीटर है, पर मैं कोई एक जनरल टाइम पर ले रहा हूं कि सपोज ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस वाई है, क्योंकि ये पॉइंट बी सी की तरह क्रॉस कर रहे, इसकी लेंथ डिक्रीजिंग होगी सी बी, सो डिफरेंशियल रूल के हिसाब से यहां पर हम एक माइनस साइन भी लगाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर ये भाग बाएंगे डी वाई बाई डी टी इक्वल टू एक्स वाई बाई डी एक्स वाई डी टी। उस इंस्टेंट पर एक्स का वैल्यू 3 दिया हुआ है और वाई का वैल्यू 4 और इन ए का वेलोसिटी, क्योंकि सी से ए का डिस्टेंस को एक्स लिख रहे हैं, एक्स बढ़कर मान लो डी एक्स हो गया, यानी अब लेंथ एक्स प्लस डी एक्स है, तो चेंज इन पोजिशन डी एक्स बाई डी टी उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी यानी 4 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कैंसिल आउट करने से एंड बी का वेलोसिटी हमें 3 मीटर पर सेकेंड ऑफ कैट हो रहा है। तो ये हमने न्यूटन ऑफ मोशन में कंस्टेंट रिलेशन के हेल्प से जरूर सॉल्व किया होगा। देखिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को हम, क्योंकि लैडर को हमने एज ए रिजिड ऑब्जेक्ट के रूप में कंसिडर किया है, तो मैंने जैसा आपको बताया कि इन डायरेक्शन ऑफ लैडर जो वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे, मींस इंड ए का वेलोसिटी का कंपोनेंट पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी सपोज ये एंगल थीटा है और वो थीटा उस इंस्टेंट पर 53 डिग्री है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी का इन डायरेक्शन ऑफ लैडर जो कंपोनेंट आएंगे वो 4 कॉस थीटा होगा, और बी का जो कंपोनेंट आएंगे क्योंकि ये हमारा 90 माइनस थीटा है, तो बी का इन डायरेक्शन ऑफ ए बी ये वैल्यू आएंगे वी बी कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, या चाहें तो आप इसको साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो इंड बी है वो ए बी की तरफ जितना मूव करेगा, इंड ए का भी कंपोनेंट ए बी लाइन की तरफ उतना ही होगा। सो हम रिजिड बॉडी के कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं, दैट इज वी ए कॉस थीटा इक्वल टू वी बी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये उस इंस्टेंट पर 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और ये वैल्यू कॉस थीटा वी बी और ये वैल्यू साइन थीटा। सो वी बी का वैल्यू क्या होंगे स्टूडेंट, 4 मीटर पर सेकेंड और ये वैल्यू कॉस डिवाइड बाई साइन दैट इज कॉट 53 डिग्री, कॉट 53 डिग्री का वैल्यू 3/4 होगा, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड इंटू कॉट 53 डिग्री 3/4 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट, आपने यहां पर इस क्वेश्चंस में इंड बी के वेलोसिटी को आपने लर्न किया। इसी चैप्टर में स्टूडेंट हम लोग एक आगे लर्न करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम इस क्वेश्चंस को उस कंसेप्ट से भी लर्न करेंगे, क्योंकि हमने सीरीज लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा यहां पर कहलाता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमें सीखना पड़ेगा हाउ वी कैलकुलेट दिस पॉइंट, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए वेलोसिटी का जो बाइसेक्टर लाइन जहां इंटरसेप्ट करते हैं वो कहलाते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी वो पॉइंट कि और पूरा जो रड होंगे उस इंस्टेंट के लिए प्योर रोटेशन मोशन में होगा, जस्ट लाइक जैसे एक रड हिंज एक्सिस के अबाउट टर्न करता है। ठीक है स्टूडेंट, सो आपने इस क्वेश्चंस में इन चीजों को आपने सीखा। हम लोग रिजिड बॉडी यानी रोटेशन डायनेमिक्स में मोशन ऑफ रिजिड बॉडी को
क्लासिफाइड करते हैं ऐसे ट्रांसलेशनल मोशन यानी रिजिड बॉडी का मोशन ट्रांसलेशन हो सकते हैं और रिजिड बॉडी का मोशन ओनली रोटेशन हो सकता है और इट माइट बी कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन यानी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन हम लोग लर्न करेंगे इन ए प्लेन। सो डियर स्टूडेंट देखिए इसमें इस रिजिड बॉडी में यदि हम ट्रांसलेशन मोशन की बात करें अगेन हम ए और बी दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं ऑरिजिन से यानी ग्राउंड फ्रेम से ओ के डिस्टेंस को आर ए से यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को आर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को आर बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज बी से एक हमने लाइन ज्वाइन किया है दिस इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रेफरेंस टू बी फ्रॉम वेक्टर ट्रायंगल डायग्राम हम लोग यहां पर ट्रायंगल ओ ए बी में आर ए को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट आर बी वेक्टर प्लस आर ए बी। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में आपने पढ़ा था टेल हेड इक्वल टू टेल हेड। यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट तो इसको क्या लिखेंगे डी आर ए डिवाइड बाई डी टी डी आर बी डिवाइड बाई डी टी और नेक्स्ट आप इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे डी आर ए बी डिवाइड बाई डी। अब आप सोचो जरा आर ए बी क्या है तो सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जैसा हमने बताया स्टूडेंट एक रिजिड बॉडी के बीच में रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं होते हैं यानी उसके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होते हैं इन डायरेक्शन ऑफ बी टू ए तो हम इस वाले टर्म को क्या पुट करेंगे जीरो और तब ये हमारा क्या होगा वी ए इज इक्वल टू वी बी यानी ग्राउंड फ्रेम से हम ए के वेलोसिटी को देखेंगे और बी के वेलोसिटी ये दोनों हमारा सही मार है। यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब है ये रिजिड बॉडी का मोशन ट्रांसलेशन मोशन होगा। ट्रांसलेशन मोशन में रिलेटिव टू वन पॉइंट रिजिड बॉडी के दूसरे पॉइंट का मोशन में कोई एंगुलर मोशन नहीं होते हैं कोई रोटेशन मोशन नहीं होते हैं एवरी पार्टिकल्स विल मूव इक्वली यानी जो पार्टिकल्स जिसके हेल्प से रिजिड बॉडी का फॉर्मेशन होते हैं इन ट्रांसलेशन मोशन इन ट्रांसलेशनल इन ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी रिलेटिव वेलोसिटी अमंग द पार्टिकल्स विल बी जीरो यानी उसके जो पाथ होंगे पाथ ऑफ पार्टिकल्स विल पैरेलल टू ईच अदर यानी सभी जो है वो पैरेलल लाइन पर मूव करेगा। आप एक सिंपल इस डायग्राम से भी लर्न कर सकते हैं ए और बी का पाथ पैरेलल है और तो ये पाथ हमने दिखाया है अ स्ट्रेट पाथ पर ये हो सकता है हमारा इसकी पाथ ऐसा भी पर स्टिल ये पैरेलल है तो ये भी ट्रांसलेशन मोशन है लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं कर्वलीनियर ट्रांसलेशन
और इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर ट्रांसिशन, यानी हमेशा इसकी वेलोसिटी आपस में क्या रहेंगे, पैरेलल होगा। यदि ये कर्वलिनियर ट्रांसिशन है तो, और ये हमारा रेक्टिलिनियर और ये हमारा कर्वलिनियर ट्रांसिशन, यदि कोई रिजिड बॉडी में प्योर ट्रांसिशन मोशन है, इसका मतलब समझना चाहिए कि रिस्पेक्ट टू वन पार्टिकल उस रिजिड बॉडी में दूसरे पार्टिकल में कोई रोटेशन नहीं है, और रोटेशन तो टॉर्क की वजह से होते हैं। तो मैथमेटिकली इसको ऐसा भी बोलते हैं, इन प्योर ट्रांसिशन मोशन टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास शुड बी जीरो। ये मैथमेटिकल कंडीशन होते हैं स्टूडेंट इन ट्रांसलेशन मोशन के लिए। जैसे इस रिजिड बॉडी में हम दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यदि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो सेंटर से फोर्स, इस फोर्स का टॉर्क जो कि क्लॉकवाइज में है, सेंटर से इस फोर्स का टॉर्क, देखिए टॉर्क लेने के लिए हम सिखाएंगे स्टूडेंट, सेंटर से ये आर ली है और ये एफ है, सेंटर से ये आर है और ये डायरेक्शन ऑफ एफ है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये दोनों टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट है। इसका मतलब है इस अप्लाइड फोर्स का जो टॉर्क है वो तो सेंटर से सिमेट्रिकली एवर और बिलो आर डिस्टेंस पर लगाए गए हैं। ये सेंटर हमारा फिक्स नहीं है स्टूडेंट, यदि ये फिक्स हो गया तो फिर ये सेंटर के अबाउट हमारा टर्न भी नहीं करेगा, ट्रांसलेट भी नहीं होगा। अभी ये सिर्फ क्या कर रहा है, हमारा ट्रांसलेट करेगा आगे की ओर बढ़ेगा विदाउट एनी टर्न, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा ट्रांसलेशनल मोशन का कंडीशन होते हैं, जिसमें मैंने बताया कि टॉर्क ऑफ फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन में जीरो होते हैं स्टूडेंट। उसमें से स्टूडेंट एक रिजिड बॉडी का मोशन क्या हो सकते हैं, तो प्योर रोटेशन मोशन हो सकते हैं, जैसे यहां पर लाइक पेंडुलम, एक रॉड को हम इस पॉइंट पर पाइवोट कर रखें एंड दिस इज द हिंज एक्सिस, अब ये हमारा क्या है, तो प्योर रोटेशन मोशन है, ऑल्दो इसके सेंटर आगे बढ़ रही है पर यही एक्सिस के बाद जो एक्सिस ऑफ रोटेशन करा रहे हैं, दिस इज अंडर प्योर रोटेशन मोशन। सो यहां पर स्टूडेंट हम लोग रोटेशन डायनेमिक्स में जो बेसिकली हम लोग लर्न करते हैं, दिस इज द इंट्रोडक्टरी ऑफ दिस चैप्टर, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लर्न करते हैं, उसमें आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए यदि आपके पास दो कार हैं या एक कार और एक लोडेड ट्रक लेते हैं स्टूडेंट, आपने ऐसा महसूस किया होगा ब्रेक लगाने के बाद जो ट्रक है वो आसानी से नहीं रुकता है, यानी ट्रांसलेशन मोशन में आपने लर्न किया यदि किसी ऑब्जेक्ट में मास ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ एनी फॉर मोशन, ये ट्रांसलेशन मोशन में मास की वजह से होते हैं, मास जो है इनर्शिया और ट्रांसलेशन मोशन कहलाता है। तो लाइक मास इन ट्रांसलेशनल मोशन एवर जो है, जिसको शॉर्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन इज मोमेंट ऑफ
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन डायनेमिक्स में ऑब्जेक्ट के मास के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। आपके पास घर में आपका जो फैन है, इंडियन फैन, दैट इज उफान फैन, और पार्लियामेंट हाउस में जो पुराने पार्लियामेंट हाउस में देखना, यदि पुराने कोई पार्लियामेंट हाउस का यूट्यूब में होगा तो उसमें जो फैन होते हैं उसके फैंस बड़े बड़े होते हैं लाइक दिस। ऐसा ये मैंने लिया स्टूडेंट तूफान फैन, और ये जो फैन है जो पार्लियामेंट हाउस में लगे रहते हैं ये ब्रिटिश जमाने का, वो कंपनी का नाम था मार्शल, तो ये हमारा मार्शल फैन। अब आप स्टूडेंट दोनों फैन को स्विच ऑन करते हो तो अपने जो इंडियन फैन है वो तुरंत अपने पीक स्पीड पकड़ लेती है विदाउट डिले, अपने मैक्सिमम स्पीड को पकड़ लेता है, और आपके जो मार्शल है स्विच ऑफ करने के बाद आप उसकी आवाज यदि सुनेंगे चिंग चिंग की आवाज करता हुआ बहुत देर के बाद अपना मैक्सिमम स्पीड गेन करता है। आप समझ रहे मेरे एग्जांपल को। अब आप दोनों को स्विच ऑफ कर दो, ये तूफान क्या होगा स्टूडेंट तुरंत रुक जाएगा थोड़ी देर में विदाउट डिले, और मार्शल क्या है अपने मोशन को लंबे टाइम तक बनाए रखता है। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या सीखे, इनर्शिया यानी रोटेशन मोशन को बनाए रखने की टेंडेंसी मार्शल फैन में ज्यादा है, और इसका उल्टा यदि ये दोनों रेस्ट में हैं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बनाए रखने की टेंडेंसी भी मार्शल फैन में ज्यादा है। एंड इट इज इक्वली डिफिकल्ट टू रोटेट देम एज वेल एज स्टॉप देम, यानी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू ज्यादा है क्योंकि इसकी मास उस तूफान फैन से ज्यादा भी है और एक्सिस से मास का डिस्टेंस भी ज्यादा है स्टूडेंट। सो यहां पर स्टूडेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए सपोज इस एक्सिस के रेफरेंस में पार्टिकल्स M1 जिसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 है, पार्टिकल ऑफ मास M2 जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2 है, पार्टिकल 3 जिसके एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R3 है। इस तरीके से यदि हमारे पास n पार्टिकल्स हैं तो ये हम n पार्टिकल के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, हम इस एक्सिस के अबाउट इसको टर्न कर रहे हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे जस्ट वी कंसिडर दिस एज ए लाइट रिजिड रॉड, ये जो है हमारा लाइट रॉड है कंपेयर टू मास, ये सारे हमारा पॉइंट मास है। अब जब आप इसको टर्न करेंगे ऑब्वियस M1 अपने सर्किल में मूव करेगा, M2 भी अपने सर्किल में मूव करेगा, M3 में भी कुछ ऐसा ही, और nth पार्टिकल में भी कुछ वैसा ही ऑब्जर्वेशन है। सो इन सारे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी का यदि हम कैलकुलेशन करें तो इस कैलकुलेशन में हम जैसे ट्रांसलेशन मोशन में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ½ mv² लेते हैं, कुछ वैसा ही रिजल्ट यहां पर भी आएंगे, और उस रिजल्ट को हम ½ mv² के साथ कंपेयर करेंगे। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या लिखेंगे, पार्टिकल 1 का ½ m1 v1² पार्टिकल 2 का ½ m2 v2² इस तरीके से हम सारे पार्टिकल का लिखेंगे तो हमें
जो काली नदी आएगा एम एन वी एन स्क्वायर इन समों का एडेड वैल्यू के बराबर होंगे स्टूडेंट। और चूंकि वेहीमन का वैल्यू ये टेंजेंशियल वेलोसिटीज का है और इसके एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में इस टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा टाइम्स आर वन लिखेंगे, इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी को वी टू ओमेगा टू एम ओमेगा आर टू लिखेंगे, इसके वेलोसिटी को वी एन ओमेगा टाइम्स आर एन लिखेंगे। इन सारे वैल्यू की टेंशन पुट करें तो हाफ कॉमन होंगे, ये वैल्यू एम वन ओमेगा आर वन हाफ एम टू ओमेगा आर टू हाफ एम थ्री ओमेगा आर थ्री डॉट 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 हाफ एम एन ओमेगा आर एन का स्क्वायर। इन सब में छोटे देखिए कॉमन क्या आ रहे हैं अपना हाफ एन ओमेगा स्क्वायर, ये हम कॉमन टर्म को बाहर निकालें ये भर लेंगे हाफ ओमेगा स्क्वायर, बाकी टर्म बचेंगे आपका एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर, जिसको आप समीशन के फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं एम आई आर आई स्क्वायर आई इक्वल टू वन टू एन, और इट कुड बी रिटन लाइक दिस हाफ समीशन एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। नाउ कंपेयरिंग दिस रिजल्ट विथ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो आपको पता पहले से हाफ एम वी स्क्वायर, इस रिजल्ट को हम हाफ एम वी स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो ट्रांसलेशन मोशन में भी था रोटेशन मोशन में ओमेगा है, ट्रांसलेशन मोशन में मास था पर यहां पर मास के बदले में क्या है ये पूरा टर्म, इस टर्म को हम लोग यहां पर आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए सिस्टम ऑफ एयर पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए सिस्टम ऑफ एयर पार्टिकल्स, दिस इज आई आई इज इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, वेयर आर जो है इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस और पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए स्टूडेंट किसी ऑब्जेक्ट का हम यहां पर इसको हाफ एम बी स्क्वायर के साथ कंपेयर तो जरूर कर रहे हैं बट हम इसके बीच में कुछ डिफ्रेंशिएशन भी देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो आई है जैसे एक रॉड आप ले लो उसको इसके रॉड घुमाओ सेम एंगुलर वेलोसिटी से, इसी रॉड को आप सेंटर के रॉड घुमाओ यहां पर एक्सिस से मास कंपेरेटिवली दिस वन ज्यादा डिस्टेंस पर है, मास टोटल उतना ही है तो वैसे इन दोनों केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू जो भी कैलकुलेट करके आएंगे आगे भी सीखेंगे वो सेम नहीं होगा। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया ऑफ रोटेशन डायनेमिक्स को जरूर बताता है बट दिस इज नॉट लाइक दिस इज नॉट प्रॉपर्टी लाइक मास। हाँ एक गिवन एक्सिस के लिए हम उसको बोल सकते हैं पर एक बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेनी वैल्यूज हो सकते हैं सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम एज ए प्रॉपर्टी के रूप में यूज नहीं करेंगे बट ये हमें इनर्शियल प्रॉपर्टी को इनर्शियल बिहेवियर को जरूर शो करता है। तो एक बॉडी में मास एक ही हो सकते हैं, अच्छा एक बात और मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, जैसे एक सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले
मास एंड डिस्टेंस आर, चाहे आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करें या फिर इसको आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। मास किसी ऑब्जेक्ट का नेगेटिव नहीं हो सकते हैं और स्क्वायर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल नेवर नेगेटिव। इसके लिस्ट वैल्यू जीरो होंगे यदि मास को एक्सिस पर प्रेजेंट होगा। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, जैसे एक रिंग है, हम रिंग को सेंटर की ओर टर्न करें, अब सेंटर डायमीटर भी हो सकता है, रिंग के प्लेट का परपेंडिकुलर भी हो सकता है। प्लेट लेंगे तो प्लेट के डायमीटर की अबाउट, सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के परपेंडिकुलर एक्सिस की अबाउट। तो हम आगे मैथमेटिकल वे में क्या लर्न करेंगे, जिसको कि हम डिटेल में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस या मास स्क्वायर। ये प्लेन ऑफ रिंग का परपेंडिकुलर है, प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास एक्सिस, दिस इज एम आर स्क्वायर बाई टू, इसके मास एम है, रेडियस आर है, इसके रेडियस आर है, मास एम है। रिंग के ऊपर रिंग हम रखते चले जाएं एट द सेम डिस्टेंस, तो आप हर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू वही लेंगे, दैट इज एम आर स्क्वायर। यानी रिंग के ऊपर रिंग रखने से ये हॉलो सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा और हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला वही रहेंगे, सिर्फ मास जो होगा, यदि एन रिंग्स रखे हैं तो एन टाइम्स ऑफ स्मॉल होने में, पर फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, एग्जैक्टली वही रहेगा। यानी हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉइड एक्सिस सेम रहेगा। सेंट्रॉइड एक्सिस जो सिलेंडर के पैरेलल और सेंटर से पास कर रहे हैं, उस ढंग से यदि हम 10 रुपए का क्वाइन एक के ऊपर एक रखते चले जाएं तो एक सॉलिड सेंटर में कन्वर्ट होगा, एक्सिस से मास का डिस्टेंस ऑल अराउंड सेम रहेंगे, मास एक्सिस के पैरेलल बढ़ रहे हैं तो मास एन टाइम्स होंगे, पर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें भी हम कुछ वैसा ही बोलेंगे कि सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू सर्कुलर प्लेट के इक्वल होंगे एम आर स्क्वायर बाई टू। उस ढंग से स्टूडेंट यदि हम एक रॉड लेते हैं तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रिंग एक्सिस एम एल स्क्वायर बाई थ्री होते हैं, पर इसी रॉड को समाइंगे थीटा पर रखते हैं ऐसा, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू अबाउट दिस एक्सिस एम एल स्क्वायर बाई थ्री साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसमें जो बेसिक है अभी, जैसे उस तरह से हॉलोस्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट 2/3 एम आर स्क्वायर होते हैं, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि ये सॉलिड स्फीयर है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। देखिए ये हमारा 0.4 है और ये 0.6 है, हॉलोस्फीयर का अमाउंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर से ज्यादा होते हैं, क्योंकि हॉलोस्फीयर में पूरे मास ओवर द सरफेस होते हैं जबकि सॉलिड स्फीयर में सेंटर टू सरफेस एवरीवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सो हम इसमें कुछ थ्योरम जो कि हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसका हल होते हैं I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, ये कहलाते हैं हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उस ढंग से इसमें कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिसको हम लोग लेते हैं IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, जिसमें मास XY प्लेन में होते हैं
और जेड एक्सिस उसका परपेंडिकुलर होता है। ये ऑलवेज टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, बट पैरेलल सिस्टम ऑल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए अप्लीकेबल होते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज वेल एज इस पर जितने भी काइंड के क्वेश्चन हैं इसको मैं डिस्कस करूंगा स्टूडेंट। ये मेरा वीडियो लेक्चर मैंने 15 लेक्चर में कहा है, हो सकता है कि 20 लेक्चर चले जाए, और जितने भी इसमें आपका पार्ट्स हैं रोटेशन डायनेमिक्स का इसको मैं कवर करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।